यूं तो कहने को कोसी प्रमंडलीय का हेडक्वार्टर सहरसा को कहा जाता है, लेकिन असल में कुछ और ही नजर आ रहा है, जिसका पूर्ण विरोध करते हुए मीडिया से आज रूबरू होते हुए पूर्व जिला परिषद प्रवीण आनंद ने बताया कि जल जीवन हरियाली के लिए आए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहरसा में प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक करना चाहिए, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि समीक्षा बैठक सुपौल में की गई। आखिर ऐसा क्यों? वही प्रवीण आनंद ने बताया कि 1954 में सहरसा जिला की स्थापना कराने वाले राजनेता स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र ने जिला का दर्जा दिया था और कमिश्नरी की स्थापना कराने वाले पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा थे, तो फिर आज क्यों सुपौल में प्रमंडलीय बैठक की गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुपौल को प्रमंडल बनाने की साजिश चल रही है? अगर ऐसी साजिश है तो यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। सहरसा सब दिन से उपेक्षित रहा, न राज्य सरकार का ध्यान रहा है सहरसा पर और न केंद्र सरकार का ध्यान रहा है सहरसा पर। आज एक सोची समझी साजिश के तहत ये कमिश्नरी हेडक्वार्टर सहरसा से हटाने की साजिश हो रही है। आज एक एक करके जो प्रमंडलीय स्तर के जो संस्थान सहरसा में है, इसको एक एक करके सरकार में जो नजदीक में जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ से कमिश्नरी को खत्म करना चाहते हैं। और अंदाज कर लीजिए कि जल जीवन हरियाली में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री जी सहरसा आए, ये सहरसा कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, यहाँ समीक्षात्मक बैठक इनकी होनी चाहिए। वो समीक्षात्मक बैठक यहाँ नहीं करके उन्होंने सुपौल किया। सुपौल में करने की क्या जरूरत है? आप समीक्षात्मक बैठक प्रमंडलीय स्तर का करेंगे तो सुपौल में क्यों करेंगे? जब सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय है, यहाँ सभागार है, सब दिन से यहीं पर समीक्षात्मक बैठक हुई है जो प्रमंडलीय स्तर का है, सुपौल करने की क्या उचित है? आपने तो हमारी आशंकाओं को बल आपने दिया, आप चाहते हैं कि सहरसा से कमिश्नरी चले जाए। ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें मुख्यमंत्री भी संलिप्त है और सुपौल के जो काबीना मंत्री हैं विजेंद्र बाबू, उनकी साजिश है कि सहरसा बर्बाद हो जाए, सहरसा से जो कमिश्नरी है वो सुपौल चले जाए। ये हम लोगों को डर है और ऐसा देख रहे हैं। अब अंदाज कर लिए हमारे यहाँ से जो प्रमुख संस्थान है उसको या तो आप पूर्णिया भेज रहे हैं या फिर आप सुपौल दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों सहरसा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? ये हम लोगों का निश्चित तौर पर है कि हम लोग, हम सहरसावासी, इसके लिए हम लोग आर